कुछ नोटिफिकेशन अगर आती है तो आप उसको रिमूव करते हैं, बट वो रिमूव नहीं हो पाती है। यहाँ पे एप्लीकेशन रिमूव नहीं हो रहा था, वो यहाँ पे इजीली जो है रिमूव हो गया। तो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं और आपको अपने Realme फोन में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी कभी कभी एक्चुअली में होता क्या है, कभी कभी कुछ नोटिफिकेशन अगर आती है तो आप उसको रिमूव करते हैं बट वो रिमूव नहीं हो पाती है। तो भाई, ऐसी कंडीशन में अगर नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है तो इन प्रॉब्लम को कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब ऐसी जो नोटिफिकेशन होगी कैसे आप इसको यहां से रिमूव कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। और यहां पर अगर आप Realme का कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि ऐसी कई सारी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाती है जिससे जो नोटिफिकेशन रिमूव नहीं हो पाती है, ठीक है। ऐसे में कई सारे जो यूजर होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब जो है इरिटेट हो जाते हैं ऐसी नोटिफिकेशन नहीं हटने की वजह से, तो ऐसे में वो प्रॉब्लम का जो एक प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए, सिंपल सा फंडा है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। अगर आपके पास जितनी भी नोटिफिकेशन आए, मतलब जैसे मान लीजिए मेरे फोन मैनेजर की नोटिफिकेशन आई है और ये यहां से रिमूव नहीं हो रही है, ऐसे कई सारी नोटिफिकेशन हो सकती है, कई सारी ऐप की नोटिफिकेशन हो सकती है जो कि आपके नोटिफिकेशन बार में यहां पे आपको देखने को मिल जाए और वो नोटिफिकेशन रिमूव ना हो। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको सिंपल से करना क्या होगा, यहां पे आपको मैं प्रोसेस बताता हूं। पहली प्रोसेस में आपको जो दोनों में आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस वर्क कर जाए वो आपके लिए बेटर होने वाला है, ठीक है। पहला क्या करना है, आपको इसको यहां पे लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहां से आप डायरेक्ट जो है टर्न ऑफ नोटिफिकेशन क्लिक करके जो है डायरेक्ट जो है टर्न ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड ये, यहां से भी ये वर्क करने वाला है। एंड जो सेकेंडरी मेथड है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सेकेंडरी मेथड के लिए आपको सिंपली यहां पे चले आना है और यहां पे आपको फोन मैनेजर सर्च कर लेना है, मतलब जिस ऐप में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जैसे मेरे पास है फोन मैनेजर में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो यहां पे फोन मैनेजर का ऐप का जो यहां पे हम इसको जो है क्लोज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फोन मैनेजर है इसको आपको कैसे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इस नोटिफिकेशन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पे इस एप्लीकेशन जो जिस पे आ रही है आपको उस पर लॉन्ग प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो जैसे मेरे को इस पे आ रही है तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एप्लीकेशन इन्फो पे चले आना है। जैसे आप एप्लीकेशन इन्फो पे आएंगे तो आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शन जो है प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे फोर्स स्टॉप का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपल इसको फोर्स स्टॉप कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे आप फोर्स स्टॉप करेंगे तो यहाँ से आपका जो प्रॉब्लम है मतलब नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जो अभी यहाँ पे एप्लीकेशन रिमूव नहीं हो रहा था वो यहाँ से इजीली जो है रिमूव हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इस सेटिंग को इस प्रोसेस को फॉलो कर लेना, अगर किसी भी ऐप में आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है और आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है और रिमूव नहीं होता है किसी भी कारण से, तो यहाँ पे इन ट्रिक्स को जो कि मैंने आपको बताया, इन ट्रिक्स को फॉलो करके इजीली जो है आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो होपली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।